बंदोबस्त में खामियों को दूर करने के लिए 75 घंटे भूख हड़ताल पर बैठे रहने पर भी जब जिला प्रशासन नहीं जागा तो अब बुजुर्ग फिलू राम ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। फिलू राम को रोष है कि भूख हड़ताल के दौरान प्रशासन के अधिकारी के द्वारा गलत रिकॉर्ड पेश किया गया है। हमीरपुर गांधी चौक पर बैठे फिलू राम का साथ उनके कुछ ग्रामीण बुजुर्ग साथी भी दे रहे हैं। बंदोबस्त में हुई भूमि घोटाले की जांच न होने पर भूख हड़ताल पर बैठे हमीरपुर के विकास नगर के बाशिंदे फिलू राम ने आज से अपनी हड़ताल को अनिश्चितकालीन जारी रखने का निर्णय लिया है। उनका आरोप है कि विकास नगर में करोड़ों रूपये की भूमि घोटाले लेकर हाईकोर्ट में PIL दे रखी है, लेकिन भू बंदोबस्त विभाग और प्रशासन ने इस मामले को लेपा पोती कर हाईकोर्ट को भी गुमराह किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि घोटाला 2012 में हुआ है जबकि विभाग 2010 के रिकॉर्ड दे रहा है। उन्होंने कहा कि SDM ने उनसे मुलाकात कर हड़ताल खत्म कर दुरुस्ती के लिए अप्लाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहीं भी रिकॉर्ड में हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो वो क्यों अप्लाई करें। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभागीय अधिकारी की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाकर भ्रष्टाचार को उजागर कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। गौरतलब है कि बंदोबस्त में हुई भूमि घोटाले की जांच न होने पर फिलू राम सहित 6 बुजुर्ग हमीरपुर गांधी चौक पर 75 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। फिलू राम का आरोप है कि बार बार प्रशासन से जांच की मांग की गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीका दुड़ूही की जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है और इस्तेमाल साल 1965-1966 की अक्ष नक्शा मोमी को नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2006-2007 में हुई बंदोबस्त का अक्ष व खसरा नंबर साल 1965-1966 से नहीं मिल रहे हैं और विभाग भी इसकी दुरुस्ती नहीं कर रहा है। शासन की तरफ से कहा गया कि आप भूख हड़ताल छोड़ दो, इतना कहा गया है और आप जो दुरुस्ती के लिए अप्लाई करें, जब हमने गलती नहीं किया हमें बता दें कि किस कागज के ऊपर या किस मोमी या मुसाबी के ऊपर हमने एक लाइन या एक अक्षर लिखा तो बता दें। जब एराफेरी जो है स्टाफ करता है और उसके लिए जो है सजा जो है वो आम आदमी को दी जाती है तो आम आदमी क्यों सजा भुगते, जो ये इसमें इन्वॉल्व हैं उनको उनके ऊपर जो है केस दायर किया जाए और हम FIR भी कराएंगे। अभी कुछ टाइम के बाद इन जितने भी भ्रष्ट लोग हैं इनके ऊपर FIR कराएंगे और उसके बाद माननीय न्यायालय से हम फिर ये करेंगे कि ये फिर जो है दोबारा हम इसके लिए संज्ञान लेने के लिए लिखेंगे कि ये जो इन्होंने झूठी रिपोर्ट दी है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए क्योंकि इन्होंने गुमराह किया है, इसलिए हम दोबारा जो है वो न्यायालय के समक्ष जो है उनसे हम समय मांगेंगे और समय के अनुसार जो है उनसे मिलकर जो है सारा जो भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। 75 घंटे हुए हैं मगर हमारे साथ धोखा हुआ है। भू व्यवस्था विभाग ने जो रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दी है वो जो है वो उन्होंने सब तथ्यों को छुपा कर रिपोर्ट दी है और ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ये 2012 में उजागर हुआ था और 2012 में उजागर होने के बाद उसके बाद आज तक जो हम लगातार इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं और इसके बाद हमने PIL जो है वो माननीय हाईकोर्ट में डाली थी और उसके ऊपर इन्होंने जवाब दिया जो कि लीपा पोती करके 2010 से पहले का दिया इन्होंने और ये जो है हम इससे सहमत नहीं हो, ये हमारा जो संघर्ष ये अभी जो है अनिश्चितकालीन जो है वो जारी रहेगा कि ये जो है 2012 में जो आकर हुआ ना कि 2010 से पहले का है और इसमें जितना भी इन्होंने लीपा पोती की है इसमें जो है व्यवस्था विभाग का स्टाफ क्योंकि ये छोटा घोटाला नहीं है, ये लगभग 15 करोड़ का घोटाला और कोई 70 से 100 करोड़ जमीन का घोटाला है और इस घोटाले में जो है बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसलिए इसको दबाने के लिए लीपा पोती की है। SDM साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि आप जो है वो भूख हड़ताल को छोड़ दो, आज ये रिपोर्ट आ गई है हाईकोर्ट की रिपोर्ट आ गई है, ये रिपोर्ट हमें किसी ने कुछ नहीं दी है कि क्या ही है, हमें सूत्रों से मालूम हुआ है कि उधर इन्होंने हाईकोर्ट को भी गुमराह किया है।